HTML और CSS दोनों को एम्बेड करके ये कोड लिखा गया है, ठीक है, और इसमें अलग अलग कलर प्रिंट होंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो इसको सेव करना होगा, तो कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सेव करेंगे, सेव एस कर देता हूँ मैं इसे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाकर के इसको सेव करेंगे किसी भी नाम से, किसी भी नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। डॉट एस टी एम एल लगाना है लास्ट में, या डॉट एस टी एम भी लगा सकते हैं, ये सेव कर लिया। आप इस कोड को देख सकते हैं, इस कोड को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये पूरा कोड मैं कोशिश करूंगा इसको देने की। तो चलिए अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये कोड है और इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, पहला लाइन रेड कलर का, दूसरा लाइन ग्रीन कलर का और तीसरा ब्लू कलर का प्रिंट हो रहा है। और ये जो है ना सी एस एस का यूज किया इसमें, देखिए यहाँ पर सी एस एस यूज किया। देखिए सी एस एस की कोडिंग तीन तरीकों से करी जा सकती है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा इनलाइन, ठीक है। तो इन्हीं में से एक कोडिंग करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना।